Hi guys, this is Abhishek Nigam and you're watching me on E Times TV. अब धीमे धीमे अभी तो फिलहाल हम दोनों अपनी अपनी जर्नी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट ऑफकोर्स जब सही वक्त आएगा, सही चीज़ें होंगी, सब कुछ फेवरेबल होगा, तो वी वुड वांट टू ऑलवेज वर्क विद अ फैमिली टुगेदर। राइट। मम्मी तो बहुत खुश हैं क्योंकि आई थिंक मेरी मम्मी भी मेरी यू नो लाइक एक वक्त होता है ना जब आप टीवी शो देखते हुए आप होता है हमारे टाइम हाँ। होता था कि भाई 9 बजे टीवी लग गई है, खाना खाते तक टीवी देख रहे हैं, फिर 11 बजे तक। तो मम्मी ने तो हीरोज देखे हुए हैं, तो मम्मी को बहुत अच्छा लग रहा है कि लाइक तुम फाइनली सूट और ऐसे कैजुअल कपड़ों में थोड़ा मुझे दिखाई दोगे, तो उनका एक सपना साकार, बहुत खुश है। मे बी कभी कभी ऐसा होता है कि आप OTT करते हो, आप वहाँ से भी एक ही शो करके बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हो, बट यहाँ पे आप रोज़ काम करके फिर फाइनेंशियली स्टेबल होते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइम that you're working. Currently this time of course it helps me you know keep myself financially stable. Hello everyone, welcome to E-Times. I'm Vijay Tiwari and today I have with me Abhishek Nigam, who's all set to make a comeback with Pukar Dil Se Dil Tak, and welcome to E-Times TV. Thank you so much for having me here. The pleasure is mine. So first of all TV se काफी गहरा नाता रहा है आपका भी और सिद्धार्थ का भी, और थोड़ा दूर रहना पड़ा क्योंकि आई एम श्योर आप अच्छे प्रोजेक्ट्स ढूंढ रहे होंगे, तो अब वापसी कर रहे हो तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ऑफकोर्स काम करके सबको अच्छा लगता है, और वी ऑलवेज ट्राई टू यू नो फाइंड यू नो व्हाटएवर इज बेस्ट फॉर यू। तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब यू नो व्हेन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू प्ले सागर इन दिस शो, क्योंकि बहुत ही अच्छे से बनाया जा रहा है और बहुत अच्छे लोग इसे बना रहे हैं, बहुत अच्छे चैनल पर आ रहा है, so काफी अच्छा लग रहा है चीज। What was the selling point for you? What was the thing that you know excited you about this role? A different genre. For me personally, it was a different genre to explore. You know, this is something very different from the past work that I've done. तो मुझे ऐसा लगा कि ये भी सीखने की इच्छा है कि आपको ये भी experience करना चाहिए। So I think to experience it, I want to do it. एंड डेली सोप में मेरे ख्याल से आपका पहला कदम है जी है ना, क्योंकि इसके पहले आपने जो जॉनर किए वो यूथ रिलेटेड शोज रहे हैं, लेकिन ये डेली सोप में आपका पहला कदम है, तो वो कितना एक्साइटमेंट है कि यू नो हर घर से जुड़ेंगे आप, हर घर का हिस्सा बनेंगे आप? डेफिनेटली, मतलब उसी बात की एक्साइटमेंट है, और यू नो दिस इज आल्सो डिफरेंट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट दैट वी गिव टू अ शो, और डिफरेंट टाइप ऑफ जॉनर दैट मतलब मेरे लिए है, और मैं एक दूसरी तरह की चीज़ें सीखने को मिल रहा है, दूसरे तरह के इंट्रैक्शंस हो रहे हैं, और जब हम सेट पर होते हैं, हम सीन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो यू नो उसमें किस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बारीकियाँ होती हैं, उन्हें समझने का मौका मिल रहा है, और अब ज़्यादा और करीब से एक ज़्यादा रिलेटेबल फॉर्मेट से अब जुड़ने जा रहे हैं, तो एक नई चीज़ सीखने का जो मुझे मौका मिला, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड अबाउट इट। यू नो जब से आपका नाम आया है बाहर, फैंस आर रियली एक्साइटेड और प्रोमो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है शो का, व्हाट इज द फीडबैक दैट यू हैव गॉट फ्रॉम फैंस? आई थिंक दे ऑल लव्ड इट, आई मीन जिस तरह से सोनी यू नो लाइक दे मेक द प्रोमोज एंड एवरीथिंग वेरी हाई क्लास, बहुत अप क्लास, बहुत अच्छे लगते हैं, तो एवरीबॉडी इज वेरी एक्साइटेड, दे द प्रोमोज हैज क्रिएटेड दिस काइंड ऑफ इंट्रीग इन यू नो इन द फैंस की यू नो when you know the show is coming and when they talk about something like that about your show, so you know that you know like they kind of connecting with it. Yeah. So I'm very happy that you know the very great responses are being you know given to me. Yeah. And what was the family's reaction? Because abhi tak action genre वगैरह किया है, अब you know एक संस्कारी बेटा होनहार जो daily soap में हम देखते आते हैं, तो वो करने का मौका मिल रहा है। मम्मी तो बहुत खुश हैं क्योंकि I think मेरी मम्मी भी मेरी you know like एक वक्त होता है ना जब आप टीवी शो देखते हुए आप होता है हमारे टाइम होता था कि भाई 9 बजे टीवी लग गई है, आप खाना खाते तक टीवी देख रहे हैं, फिर 11 बजे तक। तो मम्मी ने तो हीरोज देखे हुए हैं, तो मम्मी को बहुत अच्छा लग रहा है कि लाइक तुम फाइनली सूट वूट और ऐसे कैजुअल कपड़ों में थोड़ा मुझे दिखाई दोगे, तो उनका एक सपना साकार, बहुत खुश है कि मज़ा आएगा देखने में। मज़ा आएगा। यू नो अभिषेक, आई एम श्योर कि आप कुछ अलग करना चाहते होंगे, इसलिए थोड़ा सा समय भी लिया आपने कि यू नो मैं कुछ ऐसा करूँ जो थोड़ा पिछले काम से अलग हो, पर जो वेटिंग पीरियड होता है एक शो खत्म होने से दूसरा शो बैक करने तक, वो कितना इजी, चैलेंजिंग, या किस तरीके से आप उसमें डील करते हो? काफ़ी लोग उसमें अपने आप पर काम करते हैं सो दैट यू नो दे कीप वर्किंग एट इट, आपके लिए वो प्रोसेस कैसा होता है? मतलब दैट्स व्हाट आई एम ब्लेस्ड
कि जो वेटिंग पीरियड होता है उतना पेनफुल नहीं होता है क्योंकि वी गेट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू डू यस आई लाइक बिकॉज़ म्यूजिक वीडियो वगैरह भी होता रहता है कोलैब्स अ लॉट ऑफ कोलैब्स एंड अदर थिंग्स यू नो और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी रिसेंटली हमारा घर बन रहा है you know after my last show I was totally dedicated to make that house so matlab abhi bhi matlab I've taken this show up and then my mom is really worried ki ab ghar kaun banwayega to matlab ye wala waiting but in general if we talk to waiting period jo hota hai to for that transition to the next show or yeah. next opportunity ka wo kabhi kabhi difficult bhi hota hai because shayad aap bahut jaldi jaldi cheeze karna chahte ho aur kabhi kabhi bahut acha bhi hota hai jab aapko ye baat samajh mein aa jati hai ki shayad wo waiting period aapke liye ही मिला है आपको जहाँ पर आप अपनी आर्ट को अपने स्किल्स को होन कर सको उसको बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट कमिंग थिंग बिकॉज क्या होता है जब हम शोज कर रहे होते हैं तब हमारे पास वो टाइम नहीं होता या बिल्कुल बिकॉज वी वर्क इन अ 12 आवर शिफ्ट एंड सम टाइम दैट एक्सटेंड्स आल्सो एंड देन यू हैव टू ट्रैवल कम बैक होम स्लीप ईट एंड देन यू नो द लाइफ वाज वेरी कांस्टेंट एंड दैट गोस फॉर लाइक 1 साल 1.5 साल अब वैसे ही चला जाता है बिल्कुल 6 महीने भी चले जाते हैं तो वो जो टाइम मिलता है आई थिंक उसको प्रोक्योर करना चाहिए और उसमें मतलब व्हाट आई डू इज लाइक कुछ नया कोशिश करता हूँ कि चलो ठीक है घूम लो फैमिली के साथ वक्त बिता लो सो लो अच्छे से ताकि जब शो आए तो मेहनत करो अच्छे से तो कोई कंप्लेंट्स नहीं होनी चाहिए राइट ऑल्सो क्या ये कह सकते हैं कि डेली सोप के साथ आप या फिर टीवी के साथ यू वर एक्सप्लोरिंग अदर प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो इन द ब्रेक डेफिनेटली मतलब यू कीप ट्राइंग फॉर गुड वर्क और किसी भी मीडियम के थ्रू आप एक आर्टिस्ट यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे तो यू वुड ऑलवेज वांट टू ट्राई डिफरेंट जॉनर डिफरेंट थिंग्स मतलब व्हेन आई वाज ऑन द दिस पीरियड आई हैव ऑफ कोर्स ट्राइड फॉर लॉट ऑफ थिंग्स बट देन यू नो थिंग्स यूजुअली नॉट हैपन एज पर योर प्लान या ही इज द वन हु इज मेकिंग प्लान्स फॉर यू इट्स द डेस्टिनी एंड आई एम टोटली ज़ेन विद इट बट ऑफ कोर्स कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए काम करना नहीं छोड़ना चाहिए और बस सीखते रहना चाहिए तो जहाँ जहाँ सीख मिल रही है लेते जाओ और आगे बढ़ते जाओ जहाँ आपको मौका मिल रहा है अपनी आर्ट को दिखाने का मैं तो वहाँ पे देखा एंड देन आई एम नॉट वेरी बायस्ड ऑन की टीवी और टीवी मैंने उसको ऐसा प्लेस नहीं किया प्लेस नहीं किया हाँ मेरे लिए वो तीनों बराबर है जस्ट दैट कि जिस ब्लॉक में आई विल गेट सेटल्ड एंड देन यू नो आई विल फाइंड माय पीस आई सेटल बट ये कह सकते हैं कि टीवी गिव्स यू अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और करियर वाइज भी क्योंकि अगर आप एक प्रोजेक्ट चल गया आपका 1-1.5 साल तो अच्छा खासा एक यू नो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिल जाती है प्लस विजिबिलिटी इतना इतनी रीच उसकी इतनी बड़ी है डेफिनेटली ऑफ कोर्स मतलब सी मे बी कभी और ऐसा होता है कि आप ओ टी टी करते हो आप वहाँ से भी एक ही शो करके आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हो बट यहाँ पे आप रोज काम करके फिर फाइनेंशियली स्टेबल होते हो तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइम दैट यू वर्किंग करेंटली दिस टाइम ऑफ कोर्स इट हेल्प्स मी यू नो कीप माई सेल्फ फाइनेंशियली स्टेबल नाउ व्हेन आई शिफ्ट टू ओ टी टी मे बी आई हैव टू यू नो work as per the conditions over there maybe you know I like the work and then I might not want to you know like look at it from the financial point of view to wahan par par utni stability agar honi chahiye ki aap wahan pe nahi aa raha to aisa nahi ki aap bilkul hi wo ho gaye ho to stability lana bahut zaruri hai of course इसलिए बोल रहा हूँ कि फैसले जो होते हैं ज़िंदगी के वो हमेशा बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करते हैं तो ऑफ कोर्स व्हेन दैट राइट टाइम विल कम फॉर मी टू राइट प्रॉपरली यू नो ट्रांसफॉर्म वेंचर इन दैट सेक्टर वेयर आई हैव दिस कैपेसिटी टू सैक्रिफाइस आई विल डेफिनेटली टेक एंड पुकार जो शो है इसमें काफ़ी दिग्गज कलाकार भी नज़र आ रहे हैं नए लोग भी हैं तो एक्सपीरियंस कैसा रहा है अब तक ऑन द शो अभी तक मतलब ज़्यादा इंटरेक्शन सबके साथ उतना इन सीन्स नहीं हुआ बहुत ही यू नो वी आर शूटिंग दिस इनिशियल एपिसोड्स ऑफ द शो बट सो फार आई हैव रियलाइज वन थिंग दैट एवरीबडी सो डेडिकेटेड टू देयर आर्ट एवरीबडी सो सीरियस वेरी अटेंटिव वेरी फोकस्ड मतलब वो सामने होते तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आई कैन नॉट बी आउट ऑफ फोकस हियर बट एवरी आर्टिस्ट हियर इज वेरी गुड दे आर टेकिंग देयर वर्क वेरी सीरियसली एंड एट द सेम टाइम दे आर वेरी हम्बल अबाउट इट काम करते हैं आते हैं बैठते हैं बात करते हैं दे टॉक अबाउट यू नो न्यू थिंग्स न्यू ट्रैजेक्टरीज न्यू वर्क तो सभी लोगों के साथ एक अच्छा बोल रहे हैं ऑल वेरी पॉजिटिव यू नो बट डेली सोप से कि एक भी चीज़ होती है अभिषेक कि लकीली आपके केस में ये हुआ है कि हीरो काफ़ी चला उसका टेन्योर काफ़ी अच्छा रहा फिर आप बीच में आपने अलीबाबा में भी यू नो एंट्री की लेकिन विद डेली सोप से आजकल ये भी हो गया है कि इट कम्स विद अ वेरी स्मॉल शेल्फ लाइफ वो भी वरी करता है व्हेन यू आर साइनिंग अप अ प्रोजेक्ट हाउ डू यू लुक एट इट व्हाट इज योर प्रोसेस ऑफ साइनिंग अप अ शो टोटली डिपेंड्स अपॉन द फेट ऑफ द शो एंड द फेट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द ऑडियंस या सो समटाइम दे रिसीव इट दे लाइक इट एंड मतलब जैसे फिल्में भी होती हैं
आती हैं, कुछ दो हफ्ते में उतर जाती हैं, कुछ सिल्वर जुबली पहुंच जाती हैं। बिल्कुल। तो सीरियल भी वैसे ही होता जा रहा है, क्योंकि एक शेल्फ लाइफ अब हर जगह की होती जा रही है। पहले बॉलीवुड ने वो फेस किया, OTT में भी आजकल आप देखोगे तो एवरी वीक न्यू कंटेंट कमिंग, आपका ये सीजन खत्म नहीं होता कि दूसरा कुछ आ गया होता है। जी बिल्कुल। और उसी तरह टीवी भी होता जा रहा है धीमे धीमे, कि मतलब लोगों की जो प्रेफरेंसेस हैं, पसंद है, वो जल्दी जल्दी शिफ्ट होती है। तो वो क्या, वो बस एक राइट पॉइंट हिट करना आना चाहिए, वो सीखना पड़ता है, वो ध्यानना पड़ता है, वो फेट होता है। मेरे हिसाब से तो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द फेट, बट आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। हां, वी ऑल होप फॉर द बेस्ट, बट डज दैट एवर बॉदर यू व्हाइल साइनिंग अप अ शो? व्हाट इज योर प्रोसेस जब आप किसी शो के लिए साइन करते हैं, तो आपका प्रोसेस क्या होता है? व्हाट इज द वन थिंग दैट यू लुक आउट इन अ प्रोजेक्ट अपार्ट फ्रॉम योर होल कैरेक्टर? ऑब्वियसली दैट इज स्ट्रांग, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट एट ऑल। अगर आप प्रेडिक्ट करके शो उठा सकते हो तो फिर आप प्रेडिक्ट करोगे और जो हिट वाला शो भी। But do you go with your intuition, gut feeling or what? I always go with the vibe of the show. सुन के ऐसा लग रहा है कि हाँ यार मज़ा आएगा करने में, और मतलब कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिल रहा है, और कहानी किसी दूसरे ट्रीटमेंट की है, इट्स नॉट समथिंग जो ऐसे ही बस बनाने के लिए बनाया जा रहा है। तो वो नहीं करता हूँ, जहाँ पर मुझे जब टीम में डेडिकेशन दिखता है, टीम में वो दिखता है स्पार्क की, यार हमें बनाना है। आई ट्राइंग टू वर्क विद दोस पीपल, my past shows are also like that, ki matlab they are very dedicated to what they want to make, and luckily the right now just the production and the whole channel I'm working with, they are also very dedicated in bringing something new. So wo spark jahan hota hai main wahan ho jata hu. I try to fill wo, baki itni abhi expertise maine bhi hasil nahi kari hai ki jahan par main bolungi yaar ye kaam karega ya nahi karega, because aaj ki tarikh mein predict hi nahi kar sakte. Bilkul, wo to hai, aur agar predict karna seekh liya to baaki kya ho gaya. But you know, bhai ne to reality show किया है, अभिषेक कब करेंगे या करना चाहते हैं, या फिर एक्टिंग पहला क्राइटेरिया है? मतलब मैं उतना ज्यादा भी यू नो लाइक आई एम नॉट दैट मच ओपन, बट या आई विल सी, मतलब अब आगे आने वाले वक्त में मेरा अगर मूड बदले तो कर भी ले, नहीं है तो फिर तब तक जहाँ है वहाँ पे अच्छे हैं। आपने यू नो एक स्टेटमेंट दिया था अबाउट सिद्धार्थ की, जब किसी का भाई किसी की जान आई थी तो आपको ऐसा लगा कि उनको विजिबिलिटी उस तरीके से नहीं मिली थी, और वो बहुत स्टेटमेंट बहुत डिस्कस भी हुआ था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, कि वो अपॉर्चुनिटी उनके लिए फ्रूटफुल साबित हुई या इट वॉज एन गुड एक्सपीरियंस? सी ऑफ कोर्स विजिबिलिटी come is a fact, but whatever this visibility has received in between that, you know, bunch of actors, you know, big actors, you know, you have Salman Khan, you have so many, you know, like people there, you know, so maybe if you still see Siddharth and he stands out and you remember him while coming out of the movie, that makes the thing of course better. But ek artist ki lalach to hoti hai zyada dikhe, तो बस वो तो रहेगा ही हमेशा। बट देन या मतलब वी काइंड ऑफ थिंक टुवर्ड्स द फैक्टर, जितना भी था वो अच्छा था, ज्यादा होता तो और अच्छा होता, बट वी काइंड ऑफ डोंट लुक एट द यू नो पेसिमिस्ट साइड ऑफ इट, वी ऑलवेज वांट टू लुक एट द ऑप्टिमिस्टिक साइड ऑफ इट, सो वी आर रिलाइंग ऑन दैट। आप दोनों कितने एक दूसरे से स्क्रिप्ट्स या काम डिस्कस करते हो, या किस तरीके से आप दोनों के बीच में होता है प्रोफेशनल डिसीजंस? सारी डिसीजन, मतलब सारी चीज़ें हम शेयर करते हैं, मतलब अगर हम एक कोई भी मूवमेंट होती है हमारी रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू एनी थिंग इन लाइफ, वी ऑलवेज डिस्कस, वी सिट लाइक अ फैमिली, वी डिस्कस लाइक यू नो लाइक हम तीनों प्रॉपर डिस्कशन होता है, और तीनों उस चीज़ से अग्री करते हैं, तीनों की गट फीलिंग कहती है यार करना चाहिए तो करते हैं, किसी एक का भी है कि मत करो तो शायद हम ना करें, बट देन अगर सब लोग क्या है हाँ करो अच्छी बात है, तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, हम अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, एंड वी टेक इट लाइक दैट। कभी सिद्धार्थ के साथ कुछ आप दोनों ने प्लान किया है, क्योंकि आप दोनों क्रिएटिवली बहुत ज़्यादा यू नो फोकस्ड रहते हो, तो कभी आप दोनों ने साथ में कुछ कोलैबोरेट करके करने का सोचा हुआ है? अब धीमे धीमे, अभी तो फिलहाल हम दोनों अपनी अपनी जर्नी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऑफकोर्स जब सही वक्त आएगा, सही चीज़ें होंगी, सब कुछ फेवरेबल होगा, तो वी वुड वांट टू ऑलवेज वर्क एज अ फैमिली टुगेदर। राइट, बिफोर रैपिंग अप, आई वुड आल्सो लाइक टू नो उनका रिएक्शन क्या था पुकार के बारे में, सिद्धार्थ का? ऑफ कोर्स ही इज वेरी हैप्पी, एंड द बेस्ट पार्ट यू नो व्हेन लाइक वी बोथ गेट अप इन द मॉर्निंग, वी बोथ वॉक आउट टू वर्क, and then you know like that's the best feeling, so that's the, I think that's the best feeling that we're living, and when we come back home tired, and you know like he goes to work out, I goes to work, and then we come back, we sit with mom, so wo bahut achi feeling hai, so we are just enjoying that feeling right now. And jaane se pehle fans ko kya kehna chahenge who will be watching Pukar? I just want to request you all to watch our show,
and give all your love and support to the show. And do watch it on 8:30. Yeah, do watch it at 8:30 PM only on Sony Entertainment Television. बहुत important information है, बोलना मत. और हमें बहुत ढेर सारा प्यार दें, support दें, जैसे आपने मुझे पहले भी दिया है. और बिल्कुल. एंड उम्मीद करते हैं कि आप कामयाबी की जो सीढ़ियाँ हैं वो इसी तरीके से चढ़ते रहें. एंड यू अचीव अ लॉट इन योर करियर. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू.